भारतीय जनता पार्टी 2019 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन की समीक्षा करेगी। केंद्रीय मंत्री एम वकया नायडू ने कल अमरावती में कहा है कि 2017 है, हम 2019 में देखेंगे कि स्थिति क्या है और फिर एक फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। वकया की टिप्पणी के महत्व को मानता है क्योंकि बीजेपी के तेलंगाना इकाई ने पहले से ही नए राज्य में टीडीपी के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि पिछले 3 सालों में यहां का रिश्ता नाजुक बना रहा है। आंध्र प्रदेश में भाजपा का एक बड़ा हिस्सा भी 2014 में बना हुआ दोस्ती का रिश्ता तोड़ना चाहता है और वो तेदेपा को खुलेआम आलोचना कर रहा है। हम राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे हैं और ये एक अच्छा काम है। चंद्रबाबू केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी दोस्ती भविष्य में भी जारी रहेगी, लेकिन हम राज्य में अपने आधार पर विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में वकया ने कहा कि ये देश से संबंधित है और एक विशेष राजनीतिक दल नहीं है। हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी तिमाही से समर्थन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारी इच्छा है कि सभी एक साथ आएं और सहयोग करें। अगले राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुना जाता है तो ये बेहतर होगा। नायडू ने कहा कि ये देश के लिए एक अच्छी मिसाल भी होगी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 25 मई को विजयवाड़ा में राज्य भर से बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।